बैंक ऑफ बड़ौदा का आपका एटीएम कार्ड खो गया, गुम हो गया या तो चोरी हो गया, इस स्थिति में आपको ब्लॉक कैसे करवाना है, किस प्रकार से ब्लॉक करना है, पूरी प्रोसीजर इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसकेसी टेक्निकल पे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल करके प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं सबसे पहले जो है आप लोगों को अपडेट मिल जाए। तो ले चलूंगा सीधा मोबाइल की स्क्रीन पे, वहां पर आपको पेटकली बताऊंगा किस प्रकार से आपको जो अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड है उसको ब्लॉक करना है, टेम्प्रेरी ब्लॉक करना है या तो जो है परमानेंटली ब्लॉक करना है। कैसे ब्लॉक करना है आप खुद जो है सेलेक्ट करेंगे, तो कैसे ब्लॉक करना है मोबाइल स्क्रीन लेके बताने वाला हूं। चलते हैं दोस्तों मोबाइल के स्क्रीन पे। तो लीजिए दोस्तों पहुंच गए हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों सिंपली से आपको करना है क्या है, देखिए दोस्तों आपको जो है अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक करना है। तो किस प्रकार से ब्लॉक कर सकते हैं यही इसी के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। ब्लॉक करने के लिए दोस्तों सिंपली से क्या करना है, यहाँ पर बॉब एम कोनेक्ट प्लस जो है एप्लीकेशन है, इस पर जो है हमने लॉग इन कर लिया, अपना यूजर आई डी पासवर्ड बना लिया है, तो इस पर ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लॉग इन हो जाना है। लॉग इन होने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन पासवर्ड है उसको डाल देना है। एप्लीकेशन पासवर्ड जो भी है आपका अपना डाल दीजिए। डालने के बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, फिलहाल एप्लीकेशन पासवर्ड डाल देते हैं। हमने जो है एप्लीकेशन पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड डालने के बाद जो है दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको जो है अपने कार्ड को ब्लॉक करना है। तो किस प्रकार से ब्लॉक करना है, कैसे ब्लॉक करना है, इसी के बारे में आज बताने वाले हैं। अगर आप जो है इसको यूज़ करते हैं तो आप आसानी से अपने कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक कैसे करना है देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक डिब्बा सेट का दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सिंपल से क्विक एक्शन जो लिखा हुआ है यहाँ पर डेबिट कार्ड ब्लॉक हॉटलिस्ट ये जो लिखा है इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों हमारे सामने ये जो हमारा अकाउंट नंबर दिख रहा है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कार्ड नंबर दिख रहा है। अगर इसको ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ ब्लॉक कार्ड ये जो है इसको हम ब्लॉक पर क्लिक कर देते हैं। ब्लॉक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें एंटर एम पिन, अगर आपने ये नहीं बनाया है एम पिन तो एम पिन बनाना बहुत आसान है। जब तक आप अपना पिन की बात नहीं कर रहे हैं, जो पिन नंबर होता है उसकी बात नहीं कर रहा है, इस पर जब लॉगिन करते हैं रजिस्ट्रेशन करते हैं उस समय आपको एम पिन और पासवर्ड दोनों बनाना पड़ता है। तो जो है दोस्तों आप बनाए हुए हैं तो यहाँ पर अपना पिन डाल दीजिए। पिन डालने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपका जो एटीएम कार्ड है वो ब्लॉक हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है दोस्तों आगे आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैं अभी इस कार्ड को ब्लॉक करना नहीं चाहता, तो क्या करूँगा इसको जो है मैं कैंसिल कर दूँगा। दूसरा जो तरीका है दोस्तों, एटीएम कार्ड खो जाता है, गुम जाता है या तो चोरी हो जाता है, तो इस स्थिति में आप जो है सीधा फ़ोन करके कस्टमर केयर से बात करके सीधा ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन जब वो आपका जो है खोया नहीं रहता है, मतलब खो जाता है या तो आपके घर में ही खो गया है और जो है आपको मिल नहीं रहा है, इस स्थिति में आप जो है टेम्परेरी ब्लॉक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर मन में अभी भी कोई सवाल हो रहा हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।